नमस्कार बच्चों, देखिए आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं हिंदी की कक्षा में। और कल हम पाठ 12 पढ़ रहे थे, अर्थात हमारा पाठ 12 चल रहा है जिसका नाम है अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। और इसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पार्ट 1 हम राकेश शर्मा को ही चुना गया। इतना ही नहीं, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे प्रशिक्षण ट्रेनिंग में जुट गए। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें बताया गया है कि जब 4 योग्य आदमी अंतरिक्ष पर जाने के लिए 4 योग्य आदमियों को चुना गया, तो उनमें से 4 आदमी को कहाँ भेजा गया था? मास्को में। और जिनमें से उन चारों में से अंत में प्रशिक्षण के लिए किसको चुना गया? राकेश शर्मा को। और जब राकेश शर्मा को चुना गया तो राकेश शर्मा के जीवन में, राकेश शर्मा के सामने बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन राकेश शर्मा उन सभी मुसीबतों का सामना करते हुए प्रशिक्षण में जुट गए, अर्थात ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब क्या हुआ। उसके बाद योग्यता परीक्षा के बाद राकेश शर्मा को सन 1982 में मास्को के पास स्थित स्टार सिटी ले जाया गया। जब उसने योग्यता की परीक्षा पास की, अंतरिक्ष पर जाने के लिए उसकी जो परीक्षा ली गई, तो उसने उस परीक्षा को पास कर लिया। और उसके बाद राकेश शर्मा को सन 1982 में मास्को के पास स्थित स्टार सिटी पर भेजा गया। वहाँ गागरिन प्रशिक्षण केंद्र है। स्टार सिटी में कौन सा केंद्र है? गागरिन प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, प्रशिक्षण का मतलब अभ्यास करने, अभ्यास। तो वहाँ पर अभ्यास किया जाता है अंतरिक्ष यात्रा के लिए। अंतरिक्ष यात्री भी वहाँ पर गागरिन में अभ्यास करते हैं। तो अंतरिक्ष में भेजने से पहले क्या किया जाता है? उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ पर किस प्रकार रहना है, कैसे जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। ठीक है ना, तो सारा सब कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर नए हवा है और नए पानी है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने रूसी भाषा सीखी। तो उस अंतरिक्ष वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले उन्होंने कौन सी भाषा सीखी? रूसी। उनका प्रशिक्षण सुबह 4:30 बजे आरम्भ हो जाता था, और उनकी ट्रेनिंग अंतरिक्ष पर जाने की जो ट्रेनिंग उनको दी जाती गई थी, तो वह ट्रेनिंग उनके 4:30 सुबह के समय 4:30 बजे वह ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। और केंद्र में उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई, और हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया। तो बच्चों, गागरिन प्रशिक्षण केंद्र में उनको अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष में जाने के लिए और अंतरिक्ष यान की के विषय में विस्तृत, मतलब पूरी जानकारी, विस्तृत में पूरी कंप्लीट, तो विस्तृत जानकारी देगी, सब कुछ उसके बारे में बताया गया। और इस प्रकार और हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया। और उनको बताया गया कि वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की भी दुर्घटना हो सकती है, यदि तो आपको उन सब दुर्घटनाओं को, कोई भी मतलब हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यानी कि उनका ब्रेन जो है वॉश कर दिया गया, उनके माइंड में भर दिया गया राकेश शर्मा के, कि वहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो आपको वो सब सहन करनी पड़ेगी, उसका सामना फेस आपको करना पड़ेगा। तो राकेश शर्मा ने उत्साह और समझदारी से प्रशिक्षण पूरा किया। अब राकेश शर्मा का तो ये सपना था अंतरिक्ष पर जाने का, तो उन्होंने अपनी वह ट्रेनिंग जो है उत्साह और बड़ी समझदारी के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, अर्थात अंतरिक्ष पर जाने के लिए सब कुछ सीख लिया, सब कुछ पता कर लिया, पूरा ज्ञान उन्होंने ले लिया। प्रशिक्षण के बाद 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अपने 2 रूसी साथियों यूरी मालिशेव और गेनंदी स्त्रेकालो के साथ रूस के अंतरिक्ष स्टेशन से
सोयूज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। तो राकेश शर्मा ने कब उड़ान भरी? प्रशिक्षण ट्रेनिंग पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अपने दो रूसी विंग के साथ गए। उनका नाम था यूरी मालिशेव और गेनंदिस त्रिकालोर। ये दोनों नाम है, यूरी मालिशेव और गेनंदिस त्रिकालोर, ये रूस के आदमियों के नाम है जो राकेश शर्मा के साथ दोनों अंतरिक्ष में गए थे। तो उन्होंने क्या किया, तीनों ने अंतरिक्ष स्टेशन से 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। अर्थात सोयूज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में वो बैठ करके अंतरिक्ष के की यात्रा के लिए चल पड़ी। यह 4 अप्रैल को ही भारतीय समय के अनुसार शाम 8:01 पर अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 नामक दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, 4 अप्रैल को ही भारतीय समय के जो हमारा भारत का और रूस का समय अलग अलग था ना, तो 4 अप्रैल को ही भारत समय के अनुसार जो है शाम 8:01 पर अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 नामक दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ गया। ठीक है, सोयूज T-11 नामक अंतरिक्ष यान जो है कौन से अंतरिक्ष यान से जुड़ गया, स्टेशन सैल्यूट 7। और कब, 4 अप्रैल को, कितने बजे, 8:01 पर। समझ गए बच्चों? अब देखिए क्या हुआ, इसमें 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे। तो उसमें 3 अंतरिक्ष यात्री और भी बैठे हुए थे। उन्होंने आने वाले तीनों यात्रियों का हार्दिक स्वागत किया। तो और 3 कौन कौन थे जाने, पहले ही उस यान में 3 आदमी अंतरिक्ष पर जाने वाले 3 आदमी बैठे थे और 3 आदमी और चले गए। कौन कौन, राकेश शर्मा और 2 उसके साथी, यूरी मालिशेव और गेनंदिस त्रिकालोर। तो ये तीनों आदमी भी उस अंतरिक्ष यान में उनके साथ बैठ गए। और उन तीनों ने जो पहले से बैठे जो 3, उन तीनों ने आने वाले जो 3 दूसरे आए थे उनका बहुत ही स्वागत किया। किनका, राकेश शर्मा का और उसके साथियों का। तो राकेश शर्मा का संपर्क विविध उपकरणों द्वारा पृथ्वी से लगातार बना रहा। तो राकेश शर्मा का जो संपर्क था तो अपने अलग अलग प्रकार के विविध मतलब अलग अलग प्रकार के उपकरण मशीनी यंत्रों के साथ पृथ्वी से लगातार बना रहा। अर्थात वो सारा सब कुछ बताते रहे। ठीक है, उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा, ये बच्चों हमने भी सुना है, ये तो मैंने भी सुना है, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष यान पर गए थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और ज़मीन से धरती से अंतरिक्ष में राकेश शर्मा से बात की थी और TV पर यूं दिखाया गया था, सीधा प्रसारण दिखाया गया था, बिल्कुल सुनाया गया था। तो उस समय ये हमने भी सुना था। ठीक है बच्चों, मैंने भी सुना था ये। तो उसके बाद क्या हुआ, ज़मीन से धरती से श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लगता है। तो क्या पूछा इंदिरा गांधी ने उसे कि अंतरिक्ष, आप ऊपर आकाश में अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हुए हो और अंतरिक्ष से हमारा जो देश है ज़मीन पर, तो आपको कैसा लगता है, तो आपने देश के बारे में पूछा कि ऊपर से देश कैसा लग रहा है। तो राकेश शर्मा ने बेहिचक उत्तर दिया, राकेश शर्मा बिल्कुल भी हिचके नहीं, उत्तर देने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचे, बेहिचक उत्तर दिया, सारे जहाँ से अच्छा, कि सबसे अच्छा हमारा देश लग रहा है। अंत में 1 सप्ताह रहने के बाद राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सहकुशल धरती पर लौट आए। तो अंतरिक्ष में ये कितने दिन रहे राकेश शर्मा, 1 सप्ताह। और उसके बाद 1 सप्ताह अंतरिक्ष में रहने के बाद राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सहकुशल बिल्कुल अच्छी तरह से धरती पर वापस आ गए, कुशल पूर्वक। इस सफलता को देखकर हम भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। और राकेश शर्मा की जो अंतरिक्ष यात्रा करने में राकेश शर्मा को जो सफलता मिली, तो उनकी सफलता को देख करके हम भारतीय लोगों का सिर जो है गर्व से ऊंचा हो गया। अर्थात हमारा नाम रोशन हो गया, हमने बहुत खुशी का महसूस किया। ठीक है, इस सफलता के लिए प्रथम अंतरिक्ष यात्री
राकेश शर्मा के साथ रूसी यात्री मालिशेव तथा स्त्रेकालो को भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो जब वो अंतरिक्ष की यात्रा करके जब वापस आए तो अशोक शर्मा को और उसके साथ जो रूसी अंतरिक्ष रूसी दो आदमी जो गए थे मालिशेव तथा स्त्रेकालो को भी किससे सम्मानित किया गया, अशोक चक्र से उनको सम्मानित किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास में इस व्यक्ति का नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया, अंकित बोल लिखा गया, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी किताबें हैं, तो इस राकेश शर्मा का नाम जो है हमेशा के लिए लिखा गया। ठीक है, हमें भी उत्साह लगन और परिश्रम से आसमान की ऊंचाई को छूने की आकांक्षा मन में रखनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, अब राकेश शर्मा का ये सपना था, अंतरिक्ष में यात्रा करने का सपना था, और एक दिन ऐसा आया कि उसका वह सपना पूरा हो गया। वह सपना पूरा करने के लिए उसने लगन मेहनत और उत्साह के साथ काम किया और एक दिन वह सपना उसका पूरा हो ही गया। तो बच्चों, हमें भी इसी तरह उत्साह के साथ लगन और परिश्रम से आसमान की ऊंचाई को छूने की आकांक्षा मन में रखनी चाहिए। आसमान को छूने की मतलब एक अपना नाम रोशन करने की, कैसे नाम रोशन करने की, कि अच्छा कार्य करे, कुछ ऐसा कार्य करे कि सारे संसार में, सारे भारत में हमारा नाम प्रसिद्ध हो जाए और हमारा नाम भी इतिहास में लिखा जाए, सब लोग हमारे बारे में पढ़ें। तो हमें भी इस प्रकार की लगन, उत्साह और परिश्रम से काम करना चाहिए, तभी तो हमारा सपना पूरा होगा। हम उत्साह से काम करेंगे, लगन से करेंगे और मेहनत से करेंगे, तभी तो हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। यदि हमने लक्ष्य निर्धारण कर लिया और लक्ष्य को चुन लिया और उस लक्ष्य तक जाने के लिए हमने मेहनत नहीं की तो हम कैसे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते ना। तो बच्चों देखिए, हमें भी अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत लगन मेहनत और उत्साह से कार्य करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ 12। इस पाठ की सभी बच्चे दोबारा से रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे अच्छी तरह से और कल हम इसके कठिन शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।